साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर पहले फेज का मतदान जारी है। हम इस वक्त पुलवामा में हैं और आप देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो मुझे लगता है काफी जमहूरियत के लिए एक अच्छी तस्वीर आप कह सकते हैं कि एक लंबी लंबी लाइन है। इस तरह की कतारें आपको जम्मू कश्मीर के चुनावों में नहीं दिखती थी। दो बूथ है और दोनों बूथों में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि इससे पहले भी जिस बूथ पे गए थे वहां भी महिलाएं थी और महिलाओं का इस तरह से आना, कई लोग कहते हैं कि महिलाएं इस तरह से पहले नहीं आती थी, बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन इस बार वो तस्वीरें बदली हुई है, महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई है। हम लोगों से बात भी करेंगे। कश्मीर है इसको स्टेट होल्ड पाने के लिए इसीलिए लोग अपना नेता चुनने के लिए आ रहे हैं यहाँ लोग, क्योंकि कश्मीर में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। अच्छा, कश्मीर में बदलाव हुआ, लोग अब पहले इस तरह से लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे लेकिन अब निकल रहे हैं। नहीं, अब निकल, अब इनको लग रहा है पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कोई ना कोई नेता, इसकी सरकार चुननी होगी। चुननी होगी। अगर हम बात करेंगे यही पुलवामा तक जाएगा, अगर कोई हम चुने किसी को हम चुनेगा तो असेंबली तक जाएगा। वोट इसीलिए डाल रहे हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, आप लोग पहले लोग इतने संख्या में लोग बाहर नहीं आते थे, अब लोगों का डर खत्म हुआ है? बहुत सालों के बाद इलेक्शन हुआ इसीलिए लोगों का डर खत्म हुआ है। थोड़ा थोड़ा डर खत्म हुआ, हाँ, डर खत्म हुआ, बहुत सालों के बाद इलेक्शन हुआ है। अपना वो भरोसा फिर से कायम करने के लिए हमें फिर अभी भी भरोसा है, लोग निकले, सब कुछ मिलेगा, निकले गवर्नमेंट बनाने के लिए। यहाँ देखिए ये बड़ी चीज है कि जमहूरियत